निकाय का रण है लेकिन नजर 24 पर है, इसलिए पश्चिम के मैदान में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। अखिलेश ने चुन चुनकर हमला बोला और भाजपा पर विकास के मुद्दे से हटने का आरोप लगाया। अखिलेश ने खुले मन से कहा, विकास पर सवाल पूछो तो तमंचे वाला जवाब मिलता। पश्चिम से अखिलेश की ललकार, निकाय रन में भाजपा से आर पार। आरएलडी से नहीं दूरी, भाजपा को हटाना जरूरी। विकास पर पूछो सवाल तो तमंचे वाला मिलता है जवाब। आरएलडी के साथ गठबंधन पर उठे तूफान को शांत करने अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और सपा कार्यकर्ताओं के साथ आरएलडी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और दोनों ही पार्टियों की रंजिशों को दूर करते हुए निकाय का रण जीतने का मंत्र दिया। आज सुबह अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने यहाँ पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनको संदेश दिया कि अपने अपने जनपदों में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव में जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में लाएं, जिससे कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। इसके साथ साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर के नाराजगी भी व्यक्त की, टिकट न मिलने को लेकर के रोष भी व्यक्त किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ निकाय चुनाव को याद रखिए, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को विजय दिलानी है इसको याद रखिए, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, बात की जाएगी। रालोद को लेकर के भी कई लोगों ने यहाँ पे अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि गठबंधन को जिताइए और जा करके मेहनत करिए और ज्यादा ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को जिताइए, जिससे कि हम लोग मजबूत हो सके। दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे और सपा की मेयर प्रत्याशी पूनम यादव से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने चुन चुन कर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सिर्फ एनकाउंटर, जाति और धर्म पर ही बात करती है, विकास का सवाल पूछो तो तमंचे वाला जवाब देती है। बीजेपी केवल एक सवाल मत पूछिए बीजेपी का, जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोला तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं है, और उसी का परिणाम ये है, उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि समाजवादियों को न केवल सरकार से लड़ना है बल्कि सरकार के लाल फीता शाही के खिलाफ भी आवाज उठानी है। बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, DMSP से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है, तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है, उसकी बाद भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव ने विकास को लेकर भी भाजपा को घेरा और कहा कि समाजवादियों के काम के सहारे ही भाजपा विकास का दावा करती है। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो क्या मिलेगा वहाँ पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी, अगर आप में से पुराने पत्रकार लोगों को वो जानते होंगे, मैं जब शहर में घुसा हूँ जिस रास्ते से आया हूँ साइकिल ट्रैक देखी वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है, मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान को क्या सुविधा है? बीजेपी वाले बताएं कि एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी, क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? दिल्ली और गाजियाबाद के अपने दौरे पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच जोश तो भरा ही, साथ ही आरएलडी से सियासी दूरियों की अटकलों पर भी विराम लगा दिए और कहा कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर भाजपा को मात देने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।